ऐसे टच हो जाएगा, तो यहाँ की सप्लाई इधर आने लगेगी। समझ गए दोस्तों? तो ये हमारा एनो हो गया और ये हमारा एनसी हो गया। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मैं बैचिंग प्लांट रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, तो आज मैं आप लोग के लिए दोस्तों एक नया वीडियो लेके आया हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि आज एनो एनसी के बारे में कि एनो एनसी होता क्या है। दोस्तों आप इलेक्ट्रिकल में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है दोस्तों तो आपको सोल्व करना पड़ता है। सोल्व जब करेंगे जब दोस्तों उसके बारे में जानेंगे, जब उसके बारे में कोई भी चीज़ आपको पता होगी जब ही आप उस चीज़ को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आप अगर आप किसी चीज़ का वोल्टेज जानते हैं कि हाँ इसमें इतना वोल्टेज लगता है, जभी तो आप उसको मल्टीमीटर से चेक कर पाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको नया वीडियो में लेके आया हूँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एनो एनसी के बारे में कि एनो एनसी हमारे प्लांट में क्यों लगता है और उसका क्या वर्क है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको बता दूँ कि एनो एनसी का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आप एनो एनसी का फुल फॉर्म समझे कि एनो एनसी है क्या। एनो का मतलब होता है दोस्तों नॉर्मली ओपन, और एनसी का मतलब होता है दोस्तों नॉर्मली क्लोज। अब नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज को मैं प्रैक्टिकल आपको करके दोस्तों दिखाऊंगा कि उसमें ऑप्शन कैसे होते हैं चालू। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों हमारे प्लांट में अगर एस्टिप को अप करना है, अप करने का जो ग्रीन कलर की बटन होते हैं उसमें एनो की जरूरत होती है दोस्तों, और जो एनसी की जरूरत होती है वो जैसे स्टॉप करना है हमको एस्टिप की, एस्टिप अगर स्टॉप करना है दोस्तों तो आप समझ ले वहाँ पे आपको जरूरत किस चीज़ की पड़ेगी, एनसी की। तो एनो की जरूरत क्यों वहाँ पे पड़ी और एनसी की जरूरत यहाँ पे क्यों पड़ी उसका मैं अंतर आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि एनो एनसी में अंतर क्या है। जैसे कि आप दोस्तों ये देखते होंगे ये हमारे पास स्विच है, ये दोनों स्विच में अंतर देखो दोस्तों ये क्या है। जैसे आप ये रेड कलर की बटन है और ये ग्रीन की है, ग्रीन में ज़्यादा करके एनो यूज होता है और ये एनसी के लिए रेड है, क्योंकि एनसी जो है हमारा दोस्तों स्टॉप करने के लिए होता है, किसी चीज़ को स्टॉप कर देना। जैसे ही आप इसको रीसेट करेंगे ये स्टॉप हो जाएगा, और जैसे ही इसको ग्रीन को रीसेट करेंगे ये ऑन होगा। मतलब किसी चीज़ को ऑन करने के लिए ग्रीन की जरूरत पड़ती है और किसी चीज़ को स्टॉप करने के लिए रेड की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों इसी तरह आपके प्लांट में बहुत सारी बटन होती है जिसमें आपको एनो एनसी की भी जरूरत पड़ती है। आप कोई भी चीज़ आप ओपनली लेना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए दोस्तों कि सीमेंट लेना है, आपको डोजिंग करना है सीमेंट, तो आप ग्रीन कलर की बटन दबाते हैं तभी आपका सीमेंट लेना स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें एनो की जरूरत पड़ती है दोस्तों, वो एनो से ही ऑपरेट हो पाता है। समझ गए दोस्तों? अब मैं प्रैक्टिकली इसमें करके अभी इसको मैं सेटिंग करता हूँ। जैसे कि आप देख लें मेरे पास ये दोनों एनो एनसी हम रख रखे हैं, ये देखे दोस्तों। अब ये एनो एनसी को इसमें मैं काउंट करके आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों कि एनो एनसी कैसे काम करता है, और इसको मल्टीमीटर से भी दोस्तों मैं चेक करके बताऊंगा कि एनो एनसी का मतलब क्या होता है। समझ गए दोस्तों? तो आप मेरी वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहें, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की बटन दबा लें ताकि हर वीडियो दोस्तों मेरी आप तक पहुँचती रहे। समझ गए दोस्तों? तो दोस्तों आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको समझ में आ जाए दोस्तों, और मैं कोशिश करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी से अच्छी बना के दूं ताकि आपको अगली कोई वीडियो देखने की जरूरत ना हो जो आपको समझ में ना आए दोस्तों। और दोस्तों आप मेरी वीडियो में कोई भी कमी हो दोस्तों तो आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। तो चले दोस्तों मेरी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। ओके दोस्तों, तो ये दोस्तों स्विच है, स्विच के बारे में जो मुझे बताना था दोस्तों एनो एनसी के बारे में। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये एनो है, ये एनो है दोस्तों, और ये एनसी है। देख सकते हैं ग्रीन वाला में एनो लगा हुआ है और रेड वाला में एनसी लगा हुआ है। एनसी का मतलब है दोस्तों क्लोज, और एनो का मतलब है ओपन, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। अब इसका मैं दोस्तों आपको क्लियर कर दूं ये काम कैसे करता है। तो इसको निकालने के लिए दोस्तों ऐसे करके आप इसको बाहर निकाल लें, देखिए दोस्तों ऐसे करके ये बाहर निकल जाएगा। समझ गए दोस्तों? अब इसको देख लें ये चीज़ जो है दोस्तों, तो जैसे आप ये बटन को आप ऐसे रीसेट करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, तो ये स्विच को ऑन करता है। जैसे ही एनो को ऑन करेगा ये एनसी में कनेक्ट होके करंट देगा। ठीक है दोस्तों? तो जैसे
ये सीट को अब ऐसे करके आप इनों को ग्रीन में लगा लें और देख सकते हो तो ये एनसी को रेटा है दोस्तों, तो मल्टीमीटर से भी चेक करके बताएंगे कि डायरेक्ट और कैसे चेक होगा। ये देखें दोस्तों, जैसे ये एनो और एनसी है, जैसे ही दोस्तों यहाँ से हम रीसेट करते हैं वैसे ही ये यहाँ से ऑन हो जाता है। ये जैसे मोटर को हमको ऑन करना है तो यहाँ से जैसे ही ऑन किए हमारी मोटर ऑन हो गई। इसको दोस्तों जैसे ही रीसेट करेंगे ये मोटर ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ ड्राइंग बना हुआ है, इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं क्लोज है इस साइड से इस साइड डायरेक्ट। ये जैसे ही आप यहाँ से ऑन कर रहे हैं ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जैसे ही ऑन करेंगे ये हट जाएगा, समझ गए दोस्तों। और इसका देखें दोस्तों एनो का ये लिखा हुआ है एनो, एनो का यहाँ से देखें ये ओपन है, ये एक दूसरे से अटैचमेंट नहीं है, 4 से 3 में सप्लाई नहीं जा रही है दोस्तों। जब ये जैसे ही ये रीसेट यहाँ से ऑन होगा उसी तरह ये यहाँ पे चिपक जाएगा, तो ये 4 से 3 में करंट आ जाएगा। उसी तरह इसका काम है कि अभी ये करंट जा रहा है, जैसे ही यहाँ पे एनसी का यहाँ से स्विच ऑन होगा ये तुरंत करंट छोड़ देगा। इसीलिए ये एनो का एनसी का यही काम है ऑन और ऑफ करना, समझ गए दोस्तों। अब अगर मल्टीमीटर से अगर आपको समझ में नहीं आता है कि हमारा कैसे एनो एनसी चेक हो तो आप देख सकते हैं मल्टीमीटर को। सबसे पहले दोस्तों कंटिन्यूटी में आप मल्टीमीटर ला दें, ये वेल की आवाज़ आ रही है दोस्तों, देखें कंटिन्यूटी में ये आवाज़ आ रही है। अब आपको चेक करना है एनो एनसी, तो एनो जब आप चेक करेंगे दोस्तों तो आपको वेल की आवाज़ नहीं आएगी, देखें दोस्तों नहीं आ रही है दोस्तों, ये एनो है। और एनसी में देखें दोस्तों आवाज़ आएगी, देखें ये एनसी है, एनसी में डायरेक्ट इससे उस साइड करंट होता है और इसमें नहीं होता है। अब ये आएगा कैसे दोस्तों, जैसे इसको हम बटन पुश करेंगे करंट आ जाएगा, देखें जैसे हमने बटन पुश किया इस साइड से उस साइड जुड़ जाता है, समझ गए दोस्तों। ये है एनो एनसी का काम, ये ऑन करने का काम करता है और ये क्लोज करने का काम चलता है। ये देखें दोस्तों ये डायरेक्ट ऐसे बताएगा दोस्तों, देख रहे दोस्तों इसका ये काम है। इसको जब हम रीसेट करते हैं जब इसमें एक दूसरे की कनेक्टिविटी बताता है, एनो एनसी का मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि हमारे स्विच में ऑन ऑफ करने के लिए एनो एनसी की ज़रूरत पड़ती है। मल्टीमीटर से आप जब भी चेक करेंगे तो दोस्तों एनो में आप चेक करेंगे तो बेल की आवाज़ नहीं आएगी, जो आपकी बेल की आवाज़ आती है जो इसमें कंटिन्यूटी बताता है वो एनो में स्विच ऑन करने के बाद बताएगा, और एनसी में डायरेक्ट बताएगा, स्विच ऑन करने के बाद एनसी में नहीं बताएगा। ये दोस्तों इसका कंटिन्यूटी होता है, ऐसे चेक होता है मल्टीमीटर से, समझ गए दोस्तों। तो एनो एनसी का आप समझ गए होंगे। अब मैं दोस्तों एक चीज़ और बता दूं आपको, हम दिख के समझा देते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आपको एनो एनसी के बारे में बताना था, तो आप देखें सबसे पहले ये एनो एंड एनसी, एनो एंड एनसी के बारे में बताना है। एनो का मतलब होता है दोस्तों, एनो का फुल फॉर्म हुआ नॉर्मली ओपन, ठीक है दोस्तों। एनसी का मतलब हुआ दोस्तों नॉर्मली क्लोज, क्या दोस्तों नॉर्मली क्लोज। अब मैं दोस्तों
ये दोनों का मैं ऑप्शन बता दूं, जैसे आपको फुल फॉर्म देखना है कि मतलब हमारा एनओ और एनसी में कितने फ़र्क हैं, तो नॉर्मली ओपन जैसे आपको ये ऑप्शन आपको बता देते हैं दोस्तों, जैसे आपको ये सप्लाई है, ये ओपन है, ये क्या है दोस्तों, ओपन है, नॉर्मली ओपन, नॉर्मल पोजीशन में स्विच जो नॉर्मल पोजीशन में रहता है वो ओपन है। अब दोस्तों मैं एनसी के बारे में बता दूँ, एनसी दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये एनसी है, ये एनसी एक दूसरे से ऐसे जुड़ा होता है, समझ गए दोस्तों, ये सप्लाई इस साइड से इस साइड पहुंच रहा है, इसमें सप्लाई नहीं आ रहा और इसमें सप्लाई आ रहा है, मतलब पावर आपके पास यहाँ पे अगर पावर है दोस्तों और इस साइड पावर है तो यहाँ से पावर इस साइड में पावर में नहीं जा रहा है और इसमें से इस साइड से पावर इस साइड आ रहा है, तो आप यहाँ के बजाय यहाँ टेस्टर जलाएंगे तो यहाँ भी टेस्टर दिखाई देगा, यहाँ भी दिखेगा, और ओपन में इसमें टेस्टर नहीं दिखाई देगा, यहाँ टेस्टर दिखाई नहीं देगा, ये होता है। अब इसमें दोस्तों मैं नॉर्मली आपको स्विच में समझा दूँ, जैसे स्विच आप देख रखे हैं दोस्तों, तो अब मैं आप बता दूँ, जैसे ये आपका एनो हो गया, एनो का मतलब है दोस्तों जैसे आपको ये आपका स्विच हो गया, जैसे आपका ये स्विच हो गया दोस्तों, अब इसमें आपको ये सप्लाई का दो पॉइंट दे देते हैं, जब ये दोस्तों स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें आके सट जाएगा कुछ ऐसे, जैसे ये ऐसे सट गया ये, तो आपका इस साइड का पावर इस साइड आने लगा, ठीक है दोस्तों, पहले यहाँ नहीं आता था और इस साइड का पावर इस साइड आने लगा, इसको रीसेट जब इसमें टच किए तो आने लगा। उसी तरह दोस्तों एनसी है, जो एनसी है दोस्तों, जो आपका सप्लाई ऐसे आपका ये स्विच बटन हो गया, तो आपको ये सप्लाई ऐसे जुड़ा होता है दोस्तों, तो यहाँ से और ये पावर यहाँ तक मिलता रहता है, यहाँ भी टेस्टर जलेगा आपका, यहाँ भी टेस्टर जलेगा, ये एनसी का पॉइंट है, एनसी का वो नॉर्मल क्लोज, नॉर्मल में क्लोज रहता है, ये नॉर्मल में ओपन रहता है, इसका जस्ट अपोजिट इसके दोस्तों ऐसे होगा, जैसे ये रीसेट होगा तो उसी तरह ये स्विच का ये बटन हो गया और एक ये स्विच हो गया, तो ये ऑप्शन आपको ऐसे आके यहाँ पे कट जाएगा, ये दोस्तों ये एनसी हो गया, जैसे ही आप इसको दबाएं तो यहाँ से आपको हट गया और ये पॉइंट अलग हो गया, तो यहाँ पे आपका ये पावर इस साइड से पावर कट गया, यहाँ से यहाँ सप्लाई नहीं जाएगा, जब आप यहाँ टेस्टर जलाएंगे तो यहाँ जलेगा, यहाँ टेस्टर जलाएंगे तो यहाँ नहीं जलेगा, समझ गए दोस्तों, तो ये हो गया आपका एनओ और ये हो गया एनसी, ये ड्राइंग आपको मैंने दिखा दिया दोस्तों। एक तरह से और चले दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन और ये हो गया टू ऑप्शन और ये हो गया दोस्तों थ्री ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दोस्तों मैं आपको समझा दूँ, जैसे कि आपका सप्लाई अगर आता है दोस्तों, जैसे आप पे एनओ हो गया, तो एनओ में आपको डायरेक्ट कस्टमर जुड़ा नहीं रहता है, जैसे आपका ये सप्लाई हो गया और ये एक सप्लाई हो गया, यहाँ से पावर यहाँ पे पावर नहीं पहुँचा, तो इसमें और इसमें पावर नहीं पहुँचा, ये एनओ है। और एनसी दोस्तों क्या होता है कि ये एक दूसरे से जुड़ा होता है, जब ऐसे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ से पावर और इस साइड पावर आता रहता है, यहाँ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, समझ गए दोस्तों, तो जब ये चीज़ जुड़ा रहता है तो यहाँ पे अब हमको एक स्विच लगाना है दोस्तों, देखे दोस्तों ये स्विच आपका लगा हुआ है दोस्तों और एक स्विच इसमें लगा हुआ है दोस्तों, देखें अब ये स्विच क्या करेगा दोस्तों, तो ये तो एक ऊपर का पोर्शन हो गया, ये नीचे का पोर्शन हो गया, देखें जब ये वाला स्विच अगर एनसी का दबाएंगे तो ये पोर्शन कुछ ऐसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, जैसे आप इसको दबाएंगे ये नीचे को दबेगा और ये ऊपर का ऊपर ही रहेगा, तो आपका सप्लाई यहाँ पे आना
बंद हो जाएगा, समझ गए दोस्तों। जस्ट उसी तरह एनो का होगा, यहाँ से सप्लाई जैसे ही दबाएंगे दोस्तों तो ये एक दूसरे में आके ऐसे टच हो जाएगा, तो यहाँ की सप्लाई इधर आने लगेगी, समझ गए दोस्तों। तो ये हमारा एनो हो गया और ये हमारा एनसी हो गया। एनो का मतलब नॉर्मल ओपन और एनसी का मतलब नॉर्मल क्लोज, समझ गए दोस्तों। तो ऐसे इस चीज़ का वो तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा, ये होता है एनो एनसी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों, मैंने एनो एनसी के बारे में आज बता दिया हूँ दोस्तों। तो एनो एनसी का ऐसे काम पड़ता है और इस जगह पे लगाया जाता है, आपको हमने बता दिया दोस्तों। तो आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई होगी वीडियो दोस्तों। तो चले दोस्तों, अब मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, ओके बाय दोस्तों।